सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु पर। मैं निहारिका आप लोग लेकर आई हूँ सीटेट की एक स्पेशल क्लास, जिसमें गाइस आप लोग करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस और साथ में पैडागॉजी की प्रैक्टिस। चलिए करेंगे क्लास को स्टार्ट। आप लोगों ने यह करना है टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु को, आप लोग टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप लोगों को मिलेंगे इस क्लास के PDF, सारा स्टडी मटेरियल हम लोग आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। जल्दी से जाइए और रिजल्ट गुरु को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को विदाउट एनी डिले। तो आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग सीटेट की बात करते हैं तो सीटेट में हमको एक कॉम्प्रिहेंशन आता है जिसमें हमारे 7 to 8 क्वेश्चंस होते हैं, जिन क्वेश्चंस के आंसर्स हमको फाइंड आउट करने होते हैं। और आपकी क्लासेस जो हुई हैं वो पैडागॉजी स्पेशल रही हैं, पोइम हमने की थी कल की क्लास में, और आज हम लोग करने जा रहे हैं एक पैराग्राफ पैसेज करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, आप लोगों के सामने आएगा ये। इसमें क्या है भाई, इसमें बात की गई है एक, मतलब क्या हुआ, एक पर्सन की बात की गई है, एक मैन की बात की गई है, एक आदमी की बात की गई है। अब हम धीरे धीरे जो है कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। वैसे एक प्रक्रिया ये होती है कि हम लोग पहले क्वेश्चन देख लें, फिर हम लोग जो है इसके पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट करें, बट हम लोग क्या करेंगे, पैसेज को आज हम लोग पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो पैराग्राफ्स ये 3 से लेकर 4 पैराग्राफ्स होंगे, हमको बड़े ही आराम से पढ़ने हैं, वहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है उसको अंडरलाइन करना है। तो क्या हुआ, एक बार अ मैन फाउंड अ कोकून ऑफ अ बटरफ्लाई, वन डे स्मॉल ओपनिंग अपीयर्ड, ही सेड एंड वॉच द बटरफ्लाई। एक बार की बात है भाई, क्या हुआ, एक कोकून जो होती है बटरफ्लाई की, वो किसी इंसान को मिल गई। अब मैम कोकून क्या होती है, कोकून होती है जैसे आप लोगों ने देखा होगा टहनी देखी होगी किसी पेड़ की, ठीक है, किसी पेड़ की कोई टहनी है और उस पर क्या होता है, छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, होल होते हैं, उनमें से बर्ड्स निकलते हैं गाइस, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कोकून ऑफ अ बटरफ्लाई, मतलब कोकून कहेंगे वो जिनके घोंसले होंगे या जो उनका घर होता है छोटे छोटे इंसेक्ट्स के रहने के लिए या बर्ड्स के लिए, छोटे छोटे बर्ड्स के लिए, वो हम लोग कोकून कहते हैं। तो एक बार एक इंसान को वो बटरफ्लाई कोकून मिलते हैं। वन डे अ स्मॉल ओपनिंग अपीयर्ड, ही सेट एंड वॉच द बटरफ्लाई फॉर सेवरल आवर्स। वहाँ पर छोटा सा वो जो छिद्र था वो खुलना शुरू हुआ, तो वो बैठ गया इंसान, ठीक है, एंड उसने क्या देखा, बटरफ्लाई को देखा बहुत ही घंटों के लिए, सेवरल आवर्स। As it struggled to force its body through that little hole, जो it किसको रेफर कर रहा है, बटरफ्लाई को रेफर कर रहा है, वो स्ट्रगल कर रही थी अपनी बॉडी को वहाँ से, इस होल में से निकालने के लिए। Then it seemed to stop making any progress. It appeared as if it had gotten as far as it could. And it could go no further. But वो आगे की तरफ नहीं जा पाई, बहुत ज़्यादा उसने कोशिश की बटरफ्लाई ने बाहर को आने की, छोटी सी बटरफ्लाई ने बाहर आने की कोशिश की, इस होल में से वो निकल नहीं पाई। सो द मैन डिसाइडेड टू हेल्प द बटरफ्लाई, और यहाँ पर इंसान ने क्या डिसाइड किया, चलिए मैं ही जो है बटरफ्लाई की हेल्प करता हूँ। आगे क्या होता है स्टोरी में और इस पैसेज में, ही टुक अ पेयर ऑफ सीजर्स, उसने क्या यूज़ किया, एक पेयर यूज़ किया भाई, सीजर्स लेकर आया, कैंची लेकर आया, एंड स्निप्ड ऑफ द रिमेनिंग बिट ऑफ द कोकून, उसको काटने की कोशिश की, जो भी उसमें से कोकून का जो भी वहाँ पर शेल था उसको थोड़ा सा काटने की कोशिश की। द बटरफ्लाई देन इमर्ज्ड ईजली, बहुत ही जल्दी आसानी से जो बटरफ्लाई थी वो बाहर आ गई। बट इट हैड अ स्वॉलन बॉडी एंड स्मॉल श्रिवल्ड विंग्स, उसकी जो विंग्स थे वो क्या होते, श्रीव कर रहे थे, ठीक है, श्रिवल्ड थे, एंड उसकी जो बॉडी थी वो सूजी हुई थी, स्वॉलन बॉडी। द मैन कंटिन्यू टू वॉच द बटरफ्लाई, अब जो इंसान था वो कंटिन्यू वे में वॉच कर रहा था बटरफ्लाई को, बिकॉज ही एक्सपेक्टेड दैट एट अ मोमेंट द विंग्स वुड एनलार्ज एंड एक्सपैंड टू बी एनलार्ज, का मतलब क्या है भाई, इसको कहते हैं लार्ज से ही लिया गया है, एनलार्ज बड़ा हो जाएगा, एंड एक्सपैंड हो जाएगा और एबल हो जाएगा सपोर्ट द बॉडी को करने के लिए, विच वुड कॉन्ट्रैक्ट इन टाइम। नीदर हैपन्ड, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। इनफैक्ट जो बटरफ्लाई थी उसने अपनी स्पेंड द रेस्ट ऑफ लाइफ क्रॉलिंग अराउंड विद अ स्वॉलन बॉडी एंड शिवल्ड विंग्स, इट नेवर वॉज एबल टू फ्लाई, जो बटरफ्लाई थी वो उड़ने के काबिल ही नहीं हो पाई पूरी अपनी लाइफ में। और उसने जो अपनी जो लाइफ थी वो कैसे गुजार रही थी, उसने गुजारी थी स्वॉलन, सूजी हुई बॉडी थी, शिवल्ड उसके विंग्स थे, इतने उसके जो स्ट्रॉन्ग भी विंग्स नहीं हो पाई और ना ही वो एबल हो पाई उड़ने के। वट द मैन इन हिज काइंडनेस एंड हेस्ट, तो अब क्या है, इंसान सोचना है क्या किया उसने अपनी दयालुता के चक्कर में और इतने जल्दी जल्दी डिसीजन लेने के चक्कर में। डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट वॉज द रिस्ट्रिक्टिंग कोकून एंड द स्ट्रगल रिक्वायर्ड फॉर द बटरफ्लाई टू गेट थ्रू द टाइनी ओपनिंग वर्स गॉड्स वे ऑफ फोर्सिंग फ्लूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द बटरफ्लाई इन टू इट्स विंग्स सो दैट इट वुड बी रेडी फॉर फाइट
फाइट फ्लाइट लिखा हुआ है, सॉरी यस रेडी फॉर फ्लाइट वंस इट अचीव्ड इट्स फ्रीडम फ्रॉम द कोकून. यहाँ पर जो इंसान था वो समझ ही नहीं पाया कि उसको वो कट नहीं करना चाहिए था कोकून. उसको दयालुता की भावना उसके अंदर आ गई, दया की भावना अंदर आ गई, बट उसने ये नहीं समझ पाया कि प्रकृति में जो भगवान है उसने यही डिसाइड किया हुआ था कि जो जब वो बॉडी से अपनी फोर्स करती, कोकून से बाहर निकलने की कोशिश करती बटरफ्लाई, तो उसके जो विंग्स थे उसमें क्या होता, उसमें रक्त का संचार होना शुरू हो जाता, ठीक है ना. गॉड्स वे ऑफ फोर्सिंग फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द बटरफ्लाई इनटू विंग्स तक उसके जो ये फ्लूइड था वो पहुंचता अगर वो कोशिश करती. वो फ्लूइड वहाँ तक नहीं पहुंच पाया, सो दैट उस क्या हो गया, इट वुड बी रेडी फॉर फ्लाइट वंस इट अचीव्ड इट्स फ्रीडम फ्रॉम द कोकून. और अगर उसके विंग्स उतने स्ट्रॉन्ग हो जाते उसके बाद ही जो है वो फ्लाई कर सकती थी उस कोकून से बाहर निकल कर, पर ऐसा नहीं हो पाया. इंसान ने अपनी काइंडनेस और जल्दबाजी में ये चीज़ ख़राब कर दी. तो गाइज इसके अकॉर्डिंग हम जो है क्वेश्चंस करेंगे. पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है. अब आप लोग देखिए यहाँ पर क्या आएगा. द मैंस फर्स्ट इंस्टिंक्ट वॉज, उसका पहला इंस्टिंक्ट क्या था, इंस्टिंक्शंस भावना क्या आई मन में उसके, क्या आया पहले, लीव द कोकून अलोन की कोकून अकेला छोड़ूँ जैसा है कोकून में वैसा ही छोड़ दूँ, या फिर हेल्प द बटरफ्लाई या लीव द बटरफ्लाई अलोन कीप वॉचिंग, या तो उसको मैं देखता रहूं या जो बटरफ्लाई है उसको मैं अकेली छोड़ दूं या फिर मैं बटरफ्लाई की हेल्प करूं. सबसे पहले उसके दिमाग में क्या आई थी बात, उसके दिमाग में उसके मन में ये बात आई कि मुझे किसकी हेल्प करनी चाहिए, मुझे बटरफ्लाई की हेल्प करनी चाहिए. क्लियर हो गई ये बात आप लोगों को. चलिए गाइस नेक्स्ट करेंगे. द नेचुरल प्रोसेस वुड हैव द विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई अनफोल्ड एंड स्ट्रेच आउट, फोल्ड अप एंड रिमेन स्नग, या फिर स्नज या स्नग, हाफ ओपन एंड स्नज against the body, unfold and remain stiff. बताइए, unfold and stretch out, fold up and remain snug, half open and snug against the body, या unfold and remain stiff. The natural process क्या थी butterfly की, unfold करती है, stretch out होती, मतलब stretch करना था उसने, fold up होती या फिर जैसे वो सिकुड़ी हुई थी वैसी रहती, half open and snug against the body, या फिर unfold and remain stiff. तो यहाँ पर आएगा उसको अनफोल्ड करनी थी अपनी बॉडी को और उसने स्ट्रेच आउट करना था, जैसे उसने कोशिश करनी थी अपने पंखों को खिलार कर कोकून को, मतलब कोकून में से बाहर निकलने की, पर वो कर ही नहीं पाई क्योंकि उससे पहले किसकी, किसने हेल्प कर दी, इंसान ने उसकी हेल्प कर दी. गाइस चलिए नेक्स्ट करेंगे. अ वर्ड दैट मीन्स टू मेक अ बिकम विदर्ड, एक ऐसा आप लोगों ने वर्ड चूज करना है जिसका मतलब क्या है, टू मेक और बिकम विदर्ड, हल्का फीका पड़ जाना, उसको क्या कहलाता है, ऐसा वर्ड हम लोगों ने करना है, फाइंड आउट करना है क्या हो मीनिंग उसका, विदर सूख जाए या फिर कमज़ोर हो जाए, तो ये वर्ड क्या होगा, ये वर्ड आपका बनेगा श्रीवल्ड बनेगा. मैंने कहा था कमज़ोर हो ना, शिवरिंग से, शिवरिंग से याद रखिए श्रीवल्ड, ठीक है. टू मेक और बिकम आ विदर्ड, ठीक है गाइस. तो वो हल्के हल्के पंख रहे उसके, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, बिल्कुल भी उसमें जान नहीं रही पंखों में, इसी के कारण गाइस. सो डी ऑप्शन दैट वुड बी द राइट वन. द राइटर्स मैसेज इन हिज और हर एसे इज अबाउट, राइटर का जो मैसेज है एसे में वो किसके बारे में बात करता है, नॉट टू हैव एनी प्रॉब्लम्स, नीड फॉर स्ट्रगल्स इन लाइफ, एस्केप पेन एट एनी कॉस्ट, नीडलेस स्ट्रगल इन लाइफ, कि नॉट टू हैव एनी प्रॉब्लम, नीड फॉर स्ट्रगल्स इन लाइफ. द राइटर्स मैसेज इन इन हीज और हर ऐसे इज अबाउट, कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, नॉट टू हैव एनी प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स इन लाइफ, नीड फॉर स्ट्रगल्स इन लाइफ. मैसेज ये है कि हमें नीड होती है स्ट्रगल की अपने लाइफ में, हमको ज़रूरत है, या एस्केप पेन एट एनी कॉस्ट, नीड लेस स्ट्रगल इन लाइफ, कि भाई हमें बिल्कुल भी स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं है लाइफ में. तो गाइज यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, देखिए यहाँ पर होगा नीड फॉर स्ट्रगल्स इन लाइफ, कि हमको लाइफ को बिताने के लिए स्ट्रगल की आवश्यकता होती है. चलिए गाइज नेक्स्ट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा. द एसे इज डैश इन फॉर्म, ये जो एसे है वो किस फॉर्म में है, फैक्चुअल है, डिस्कर्सिव है, डिस्क्रिप्टिव है, या आर्गुमेंटेटिव है, कोई आर्ग्यू हो रहा है यहाँ पर एसे में, जी नहीं गाइस, तो आर्गुमेंटेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है. ये जो एसे है, ये जो पैसेज था, ये कैसा आपका अनसीन पैसेज था, ये डिस्क्रिप्टिव था, डिस्क्राइब किया गया था बहुत अच्छे फॉर्म में इसको, है ना, तो डिस्क्रिप्टिव था. मैन नोटिस्ड दैट द बटरफ्लाई वॉज हिडन, कोकून वॉज ग्रोइंग, कोकून वॉज मूविंग, या बटरफ्लाई वॉज इमर्जिंग. इंसान ने क्या देखा,
बटरफ्लाई निकल रही थी, इमर्ज कर रही थी, निकल रही थी, कोकून मूव हो रहा था, ग्रो बढ़ रहा था, या जो बटरफ्लाई है वो छुपी हुई थी। इंसान ने क्या देखा? तो मैन ने क्या देखा था गाइज, यहाँ पर राइट ऑप्शन आएगा, जो बटरफ्लाई को उसने बाहर आते हुए देखा था, जो इंसान था उसने बटरफ्लाई को बाहर आते देखा। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो होगा वो राइट है यहाँ पर। चलिए गाइज नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब आगे बात हो गई है पैडागोजी की। किसकी बात आती है? पैडागोजी की। तो हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं यहाँ पर? हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं 6। तो 6 क्वेश्चन आए थे आपको पहले पैसेज में, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। 7-8 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 पैसेज पूछे जा सकते हैं, 1 पैसेज आपका टफ हो सकता है और 1 का लेवल थोड़ा सा कम हो सकता है, जैसे इस पैसेज का था। एकदम सिंपल सटीक था और आपको एकदम जो क्लैरिफाई कर दिया था, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लैरिफिकेशन आपको मिल रही थी। आगे क्वेश्चन करेंगे, द बॉटम अप मॉडल ऑफ करिकुलम इज वन वेयर। बॉटम अप मॉडल क्या होता है करिकुलम में? जहाँ पर लर्निंग इज बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टू मेक करिकुलम मोर लर्नर फ्रेंडली, या क्या होता है द करिकुलम दैट अलोज, अब क्या करती है? अलो करती है फ्रीडम फॉर स्टूडेंट मोबिलिटी विद इंक्रीज चॉइस ऑफ करिकुलर एक्टिविटी एंड इनकरेज लर्निंग बाय डूइंग की बात करती है। या द लर्निंग प्रोसेस इज गियर्ड टूवर्ड करियर ओरिएंटेशन, अ नीड बेस्ड डिस्टेंस एजुकेशन विद इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट्स। जो बॉटम अप मॉडल की बात करते हैं करिकुलम में इज वन, बॉटम अप मॉडल क्या होता है? बॉटम अप मॉडल क्या होता है करिकुलम में? इसमें क्या होता है? जो लर्निंग होती है वो बेस्ड होती है सेट ऑफ सॉफ्टवेयर के में, या फिर द करिकुलम दैट अलाउ क्या करता है? फ्रीडम को अलाउज करता है फॉर स्टूडेंट मोबिलिटी विद इंक्रीज चॉइस ऑफ करिकुलर एक्टिविटी एंड इनकरेज करता है लर्निंग बाय डूइंग को इनकरेज करता है कि भाई कैसी लर्निंग होनी चाहिए, करते करते एक्टिविटी करते करते या कुछ करते करते बच्चा सीख जाए, या बच्चा प्रोसेस इज गियर टूवर्ड करियर ओरिएंटेशन, या फिर नीड बेस्ड डिस्टेंस एजुकेशन विद इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारा जो है राइट ऑप्शन तो वही होगा जिसको मैंने कहा था। यहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव बात हुई है, इनकरेज करती है लर्निंग बाय डूइंग की। बॉटम अप मॉडल जो है किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है एक ऐसे करिकुलम की जो कि क्या अलाउ करता है, फ्रीडम को अलाउ करता है बच्चे की फॉर स्टूडेंट मोबिलिटी विद इंक्रीज चॉइस ऑफ करिकुलर एक्टिविटी एंड इनकरेज लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है। चलिए गाइस नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन हम लोग। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना है। द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज स्पेसिफिशली ट्यून्ड टू, जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होती है वो स्पेशली किस चीज़ के लिए होती है? मास्टरी ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन विद ऑल देयर करेक्टरिस्टिक फीचर्स, एप्लीकेशन ऑफ लर्न स्ट्रक्चर कंटेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल टू न्यू सिचुएशंस, प्रोसेसेस दैट enable students to discover structure for themselves, या फिर process where sequence is taught along with how to present to related content। तो क्या होगा guys यहाँ पर right option ध्यान से देखना है। The humanistic approach is specially tuned to the mastery of academic disciplines। Humanistic approach किसकी बात करता है? तो यहाँ पर आप लोगों ने बात करनी है humanistic approach की। ये क्या होता है? It's processes that enable students को, बच्चे को क्या करता है? Enable करता है discover structure करने के लिए for themselves। ठीक है, processes that enable student to discover structure for themselves मतलब उनके लिए, ठीक है, इनेबल करता है बच्चे को डिस्कवर करने के लिए स्ट्रक्चर खुद, जैसे जो बच्चा है फाइंड आउट कर सके वो किस स्ट्रक्चर में बेटर वो पढ़ सकता है। अ स्पेशल नीड्स लैंग्वेज क्लासरूम की बात की जाए तो किसकी बात करता है? स्पेशल नीड्स लैंग्वेज क्लासरूम लोकेटेड सेपरेटली एक्सक्लूसिवली फर्निश्ड होना चाहिए, इंटीग्रेट्स ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर, हैज एक्स्ट्रा टीचर्स टू हेल्प रेगुलर टीचर्स। ये क्या बात करता है कि एक्स्ट्रा टीचर्स की बात करता है कि जो रेगुलर टीचर्स हैं उनको हेल्प करो इंटीग्रेट करने, ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर की बात करता है, या फिर यहाँ पर लोकेटेड सेपरेटली बच्चों को अलग अलग बिठा दो तो वो क्या होता है? स्पेशल नीड्स लैंग्वेज क्लासरूम की बात हो गई है, एक्सक्लूसिवली या हो ये फर्निश्ड हो उसकी बात होती है। तो यहाँ पर गाइज आप लोगों का क्या होगा राइट ऑप्शन? आप लोगों का इसमें राइट ऑप्शन आएगा इंटीग्रेट करना, मिक्स करना ऑल टाइप ऑफ लर्नर को। ठीक है, ये क्या करता है? इंटीग्रेट करता है, मिक्स करता है सभी तरह के लर्नर्स को, ये मिक्स कर देता है। क्या मिक्स कर देता है? स्पेशल लैंग्वेज क्लासरूम। क्लियर एवरीवन? चलिए, वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट इज इन अ सीनियर क्लासेस। ठीक है, तो बिहेवियर मैनेजमेंट का एक सीनियर क्लास में क्या होता है? वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट इन अ सीनियर क्लासेस, स्टूडेंट्स रेडीनेस टू यूज द स्मार्ट बोर्ड्स, स्टूडेंट्स लैक ऑफ सेल्फ स्टडी स्किल्स,
टीचर्स प्रेफरेंस टू कंडक्ट ग्रुप रादर देन इंडिविजुअल वर्क या फिर टीचर्स लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो वन ऑफ द चैलेंजेस की बात की गई कि बिहेवियर मैनेजमेंट में सीनियर क्लास में भाई क्या होता है, टीचर में क्या होता है, लैक ऑफ क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है. तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है, टीचर में. अगर उसका कॉन्फिडेंट नहीं है टीचर, तो गाइज यहाँ पर ये जो है गलत हो जाएगी ये बात, ठीक है. तो बच्चे के पढ़ाने के लिए सीनियर क्लासेस को अगर आप टीच कर रहे हैं तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए गाइस. नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट बात क्या करता है, टू इनकलकेट इनकलकेट, ठीक है, इनकलकेट अ नेवर गिव अप एटीट्यूड. अ सूटेबल एक्टिविटी इज़ द वन व्हेन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक सूटेबल एक्टिविटी क्या होती है, जहाँ पर सेंग करते हैं वो टू पॉपुलर सॉन्ग एंड एग्जिबिटेड क्या होता है, निकालते हैं, इन्फर करते हैं ऑफ देयर आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क्स ड्यूरिंग द पेरेंट टीचिंग, या फिर मेड मॉडिफिकेशन मतलब चेंजेस टू देयर पेपर प्लान्स एंड टेस्टेड देम अगेन, एक्सपेरिमेंटेड विद द बेस्ट वे टू गेट देम टू गो द डिस्टेंट एंड शेयर देम फाइंडिंग, या फिर इन ग्रुप क्रिएट ग्राफ्स. किसकी बात हो रहा है, नेवर गिव अप एटीट्यूड की बात हुई है. तो ये क्या करती है भाई, इसमें होता है कि ग्रुप में क्या होता है, क्रिएट किए जाते हैं ग्राफ्स अबाउट द डिफिकल्ट सिचुएशन दैट स्टूडेंट्स हैड टू फेस इन लाइफ, या ये करता है मैनेज टू गेट द प्रिंसिपल परमिशन टू गो आउट एंड प्ले ड्यूरिंग द इंग्लिश पीरियड. तो ये तो डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल ही रॉन्ग है आप लोगों का. ग्रुप क्रिएट ग्राफ्स अबाउट द डिफिकल्ट सिचुएशन दैट स्टूडेंट्स हैव हैड टू फेस इन लाइफ, या फिर मॉडिफिकेशन आए पेपर प्लान्स में, टेस्टेड दैम अगेन, एक्सपेरिमेंटेड विद द बेस्ट वे टू गेट दैम टू गो द डिस्टेंस, शेयर दैम फाइंडिंग, या फिर उसमें बात करें कि दो पॉपुलर सॉन्ग्स पढ़ा लिए बच्चे को, उसकी बात हो जाए, तो ये कहता है मॉडिफिकेशन चेंजेस होने चाहिए पेपर प्लान्स में, टेस्टेड दैम अगेन, एक्सपेरिमेंटेड विद द बेस्ट वे, ठीक है, उसको एक्सपेरिमेंट किया जाए बेस्ट वे में, एंड बच्चा जो है गो टू द डिस्टेंस, गेट दैम टू गो टू द डिस्टेंस एंड शेयर दैम फाइंडिंग. तो नेवर गिव अप जो है एटीट्यूड बच्चे में वहाँ पर आता है. अगर बच्चे के पास जो हो पेपर प्लान जो होते हैं प्लान्स होता है, उसमें चेंजेस आ जाएंगे, उसके बार बार उसको चेंज किया जाएगा, एक्सपीरियंस जो है बच्चा करता रहेगा नई नई चीज़ में, तो उसमें क्या आएगा, नेवर गिव अप एटीट्यूड आएगा. यही नहीं कि सेम तरह का उसको एक ही बार का एक ही पैटर्न में एक ही जैसा जो उसको क्वेश्चन पेपर है उसको दे दिया जाए हर बार, ऐसा नहीं होता. वहाँ पर वो बोरियत भी निकलती है, मोनोटोनस हो सकती है आपकी लर्निंग, टीचिंग आपकी मोनोटोनस हो जाएगी. और गाइज इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पर चांसेस होते हैं बच्चे के मोटिवेट होने की, यहाँ पर बच्चा जो है इनकरेजमेंट जो है वो फील नहीं करेगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा इस चीज़ में, ठीक है. सो नेवर गिव अप एटीट्यूड उस चीज़ की बात करता है. असेसिंग रीडिंग, ठीक है, रीडिंग को सही करना क्लास सेवन्थ में कैन बी डन मोस्ट इफेक्टिवली, किस चीज़ से जो है ये मोस्ट इफेक्टिवली की जा सकती है. स्पोकन क्विज बेस्ड ऑन द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, रिटन टेस्ट बेस्ड द करेक्टर्स एंड द इवेंट्स इन द स्टोरी, एंड ओरल इंटरव्यू टू फाइंड आउट हाउ मच दे हैव रेड, या राइटिंग करवानी, अ 50 वर्ड बुक टेक्स्ट रिव्यू एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट. असेसिंग रीडिंग एट अ क्लास सेवन्थ की बात की गई है. अगर हम लोग जो है रीडिंग को अच्छा करना चाहते हैं, कौन सी क्लास में हम लोग अगर रीडिंग को अच्छा करना चाहते हैं, सेवन्थ क्लास की बात की है, सेवन्थ क्लास में अगर आपने रीडिंग को अच्छा करना है तो मोस्ट इफेक्टिवली वो कैसे हो सकती है, क्विज़ करवाए जाएँ, रिटन टेस्ट हो, ओरल इंटरव्यू हो, या 50 वर्ड्स बुक होता है, या उसका टेक्स्ट रिव्यू करवाएँ. तो बेटा रीडिंग को हमने क्या करना है, करना है क्या करना है मैम, हमको करना है उसको इम्प्रूव करना है बच्चे की, है ना, असेस करना है, मूल्यांकन करना है. तो बुक्स पढ़ाकर वर्ड्स के बारे में पूछा जाए, टेक्स्ट बुक के ऊपर यहाँ पर जोर दिया जाएगा रीडिंग रीड करवाने के लिए गाइस. तो क्या होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा होगा, राइटिंग अ 50 वर्ड बुक टेक्स्ट रिव्यू एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट देने के लिए उसको, ठीक है. चलिए, जो भी उसने रीड किया 50 वर्ड्स में लिख कर लाए, ठीक है ना. चलिए, करिकुलम डेवलपमेंट फॉलो द फॉलोइंग सीक्वेंस. अगर करिकुलम डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये फॉलोइंग सीक्वेंस मतलब एक सीक्वेंस भी होना चाहिए. क्या होना चाहिए, करिकुलम डेवलपमेंट जो करता है फॉलो करता है, एक क्या सीक्वेंस फॉलो करता है, देखो ध्यान से, क्या सीक्वेंस जो है करिकुलम डेवलपमेंट फॉलो करता है, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, असेसमेंट्स ऑफ नीड्स, सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, लर्निंग एक्सपीरियंस इवेल्युएशन, सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, लर्निंग एक्सपीरियंस, असेसमेंट्स ऑफ नीड. पहले सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट होने चाहिए या फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, या फिर आपका क्या चाहिए, असेसमेंट पहले ही होनी चाहिए, नीड्स की पहले ही असेसमेंट हो जाए, या फिर बात हो फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव की या असेसमेंट की पहले बात हो. तो गाइज यहाँ पर देखिए राइट जो आपका होगा वहाँ पर होगा सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होता है. पहले हम लोग क्या करें, असेसमेंट की बात करें, जो हमने नीड्स हमको चाहिए, ठीक है ना, क्या चाहिए उसका पहले मूल्यांकन करें. पहले हम लोग नीड देखें, क्या यहाँ पर नीड है, क्या जरूरत है,
फिर हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव्स को, उसको पढ़ाना कैसा है, उद्देश्य कैसा होना चाहिए उसमें, उसको हम लोग फॉर्म करते हैं, उसके बाद फॉर्मुलेशन बनाते हैं उसको, है ना, एक जाँचते हैं, बनाते हैं उसको, मॉडल तैयार करते हैं, फिर हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट की बात की गई है, एक्सपीरियंस को समझने की बात की गई, लर्न करने की बात की गई, एंड लास्ट में बात होती है इवेल्युएशन की, मूल्यांकन जो इवेल्युएशन होती है वो लास्ट में की जाए बच्चे की, ठीक है ना। तो पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जाएगा उससे पहले, फिर उसको लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे, ठीक है ना, पढ़ाने के एक्सपीरियंस होंगे, पढ़ने के एक्सपीरियंस होंगे बच्चे के, उसके बाद वहाँ पर इवेल्युएशन आएगा। द लर्निंग एक्सपीरियंस दैट ऑफर अ विशेरियस एक्सपीरियंस टू लर्नर्स आर, ऐसा एक्सपीरियंस जो कि विशेरियस एक्सपीरियंस देता है वो कौन सा होता है, ध्यान से देखिए गाइस, कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं आपको, दिया गया है रियल ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेसिमेंस, अब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स, केस स्टडी, डिस्प्ले बोर्ड्स, फिल्म क्लिप्स, फील्ड ट्रिप्स एंड ऑब्जर्वेशन। तो आप लोगों का यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा डिस्प्ले बोर्ड्स एंड फिल्म क्लिप्स, आप लोगों का यहाँ पर राइट ऑप्शन होता है। कैसे, देखिए यहाँ पर एक एक्सपीरियंस मिलता है डिस्प्ले बोर्ड को देखकर, फिल्म क्लिप्स से एक्सपीरियंस होता है विशेरियस। इन कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस द सिमुलेशन मोड की बात की गई, किसकी बात की गई है, सिमुलेशन मोड की बात की गई, इज वेयर लर्नर जो होता है एक्सपीरियंस करता है रियल लाइफ सिस्टम्स एंड फिनोमिना, रिसीव बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉलोड बाई क्वेश्चन विद इमीडिएट फीडबैक मिले उसको, ठीक है ना, या फिर अ सीरीज ऑफ एक्सरसाइज विद रेपिटेशन प्रैक्टिस। रेपिटेशन भी तो गलत है यहाँ पर, प्रैक्टिस तो ठीक है बट रेपिटेशन वर्ड भी तो हमारा क्या होता है, एकदम हमारा क्या होता है, नेगेटिव में चलाता है। गेट प्रॉब्लम विच आर सॉल्व बाय प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर, ठीक है, या फिर गाइस क्या होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन, तो मैम यहाँ पर होगा एक्सपीरियंस करना रियल लाइफ सिस्टम्स को एंड फिनोमिना को। चलिए अ लिस्निंग स्ट्यूमुलस क्या है, 16 क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ध्यान से देखिए, जो लिस्निंग स्ट्यूमुलस का मतलब क्या है, यहाँ पर उसको आपने कंप्लीट करना है, इस सेंटेंस को आप लोगों ने कंप्लीट करना है लिस्निंग स्ट्यूमुलस को। प्रेजेंट इनपुट टू सेपरेट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु गैदर अगेन टू शेयर व्हाट दे लिसन्ड, प्रेजेंट एन इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटी सच एज गिविंग डायरेक्शन, या फिर इनेबल स्टूडेंट्स टू डिस्कस, डी ऑप्शन कह रहा है कि सेट ऑफ क्राइटेरिया विच दे प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटी आप लोगों के बच्चे जो है क्रिएट कर सकें टू कंप्लीट एंड प्रेजेंट करने की किसी टास्क को, या इस लिसनिंग और टू अ गुड कमेंट्री टू रिव्यू इट। जल्दी से आंसर देना है आप लोगों ने, देखिए जो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका बनता है, यहाँ पर राइट बनेगा कि जो लिसनिंग स्ट्यूमुलस है वो क्या है, प्रेजेंट करता है एक इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटी गाइस, ठीक है, क्या प्रेजेंट करता है, गैप एक्टिविटी को प्रेजेंट करता है, इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटी, सच ज़्यादा गिविंग डायरेक्शन की बात होती है, लिसनिंग स्ट्यूमुलस की बात होती है। स्ट्यूमुलस क्या होता है, जो हम लोग जो चीज़ों को लेते हैं, रिसीव करते हैं ना, उसके बाद रिस्पॉन्स तो बात की बात, पहले स्ट्यूमुलस लेते हैं ना, लिसन करते हैं, तो गैप एक्टिविटी इन्फॉर्मेशन लेनी गैप एक्टिविटी में, सच एज गिविंग डायरेक्शंस, है ना, स्ट्यूमुलस तो वही है, डायरेक्शंस ही तो मिलती हैं स्टिमुलस के फॉर्म में हमको किसी चीज़ को करने की, फिर हम बाद में उसमें रिस्पॉन्स करते हैं। क्लियर एवरीवन? इंटरेक्शनल रूटीन क्या हो सकता है एक स्पीकिंग असेसमेंट के लिए, मान लीजिए किसी ने स्पीकिंग असेसमेंट करवानी है क्लास में, ठीक है, स्पोकन पर अपने बच्चे को जोर देना चाहते हैं, बच्चे को हम लोग स्पोकन का पता करना चाहते हैं कितना अच्छा उसमें स्पीकिंग स्किल डेवलप हो चुका है, बच्चे में कितनी अच्छी जो स्पीकिंग स्किल है वो डेवलप हो चुकी है, हम लोगों ने ये पता करना है, तो उसमें इंटरेक्शनल रूटीन जो होता है वो क्या बताता है, हम लोगों को ये पता करना है, ये क्या करता है, नेगोशिएट करना, कैसे हम पता कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में, तो नेगोशिएट करें मीनिंग, टेकिंग टर्न्स एंड अलोइंग अदर्स टू मेक टर्न्स, टेक टर्न्स, ठीक है, हम क्या करें वहाँ पर बच्चे को ग्रुप में मतलब बैठा दें, वहाँ पर क्या हो भाई एक डिबेट रखा जाए, डिबेट करवाई जाए, नेगोशिएट हो, मीनिंग्स होते हैं आपस में, नेगोशिएशन की बात हो आपस में, मतलब मिलने की उनके नेगोशिएट समझौते की बात की जाए, एक बंदा दूसरे के, एक बच्चा दूसरे बच्चे के जो है मीनिंग को समझे, बात को समझे, अपने नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट रखे बच्चा वहाँ पर और जो है बात को समझने की कोशिश करे, या फिर क्या होगी टर्न्स को उसके बाद क्या हो, टेकिंग टर्न्स की बात हुई, एक टर्न के बाद दूसरे बच्चे की टर्न आती है तो वो अपने विचार व्यक्त करता है और बाद में दूसरे बच्चे को भी अलो करता है मतलब बात करने के लिए, ये बात हो गई, तो क्या ये इंटरेक्शनल है, क्या ये एक्टिविटी इंटरेक्शनल है, इंटरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर बच्चे एक दूसरे से, डिस्क्राइबिंग वन स्कूल और इट इज इन्वेरियंस फॉर्मली इन्वायरमेंट को भाई इन्फॉर्म किया इनफॉर्मल वे में जो है एक बच्चा अपना जो है स्कूल को भाई
इन्फॉर्म करे, स्कूल के बारे में बताए कि ये मेरा स्कूल है, इसमें ये देखा जाता है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की बात की गई है, कंपेयरिंग टू और मोर ऑब्जेक्ट्स प्लेस इवेंट्स फॉर द असेसर, इसकी बात की गई। क्या होगा गाइज राइट ऑप्शन यहाँ पर, तो अगर ध्यान से देखते हो इंट्रैक्शनल रूटीन जो होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इंट्रैक्शनल रूटीन बात करता है नेगोशिएट करने की, मीनिंग्स को, टर्न्स को लेना, फिर उसके बाद अलो करना दूसरे को भी कि वो जो है बात कर सके। नेगोशिएट मीनिंग करना, टेकिंग टर्न्स एंड अलोइंग अदर्स टू टेक टर्न्स की बात हुई है इंट्रैक्शनल रूटीन में। रिट्रीवल स्किल्स इन राइटिंग आर, रिट्रीवल स्किल्स क्या होती हैं राइटिंग की, नोट मेकिंग, नोट टेकिंग, डायग्रामिंग एंड समराइजिंग, अबिलिटीज टू डू एक्सटेंसिव रेफरेंस वर्क या ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन वाइल रीडिंग एंड लिसनिंग। तो रिट्रीवल स्किल्स क्या मानी जाती है राइटिंग में, नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग होती है, डायग्रामिंग एंड समराइजिंग होती है, या फिर एक्सटेंसिव रेफरेंस वर्क की बात करते हैं, या फिर हम लोग ऑर्गेनाइजिंग करते हैं भाई इंफॉर्मेशन की बात की जाएगी रीडिंग और लिसनिंग के समय, किसकी बात की जाती है रिट्रीवल स्किल्स में। तो रिट्रीवल स्किल्स की अगर हम लोग देखते हैं तो रिट्रीवल स्किल्स में क्या आता है, डायग्रामिंग एंड समराइजिंग आती है। इसमें क्या आता है गाइस, डायग्रामिंग आएगी एंड समराइजिंग की बात होगी रिट्रीवल स्किल्स में। अवेयरनेस रेजिंग ग्रामर गेम्स इनकरेज क्या करता है स्टूडेंट्स को, अवेयरनेस रेजिंग ग्रामर गेम्स इनकरेज करती है थिंक कॉन्शियसली अबाउट द स्ट्रक्चर दे हैव लर्नड, कोलैबोरेट करने में या फिर एक्टिविटी में कोलैबोरेट करने के लिए, या यूज़ लर्न स्ट्रक्चर टू कम्युनिकेट विद वन अनदर अबाउट अ गिवन थीम, या बच्चा क्या करता है इंगेज करता है, फ्यूल अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप की बात हुई है, द टीचर वाइल द टीचर कंट्रोल्स इट स्ट्रक्चर, किसकी बात होती है अवेयरनेस रेजिंग में। तो अवेयरनेस रेजिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग बात करते हैं इंगेज करना एंड फील अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप, ठीक है ना, अवेयरनेस रेजिंग की में बात होती है किस ग्रामर गेम के बारे में, क्या इनकरेज करता है कि इंगेज करती है, ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में होती है बात, वाइल द टीचर कंट्रोल दी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जहाँ पर टीचर स्ट्रक्चर पर जोर देता है बच्चा जो है वहाँ पर एक मॉरल्स भी सीख लेता है, ह्यूमैनिटी की भी बात होती है। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, इज अ मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकैबुलरी, इन्वॉल्व्स करना सिस्टमैटिक अप्रोच टू द एनालिसिस एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ग्रामर एज वेल एज टू द मेमोराइजेशन ऑफ वोकैबुलरी। तो भाई लैंग्वेज एक्विजिशन होता क्या है, बात हुई है कि लैंग्वेज एक्विजिशन की, तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, इज अ मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकैबुलरी की बात करता है लैंग्वेज एक्विजिशन, या फिर ये क्या करता है इन्वॉल्व करता है सिस्टमैटिक अप्रोच को टू द एनालिसिस एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ग्रामर एज वेल एज टू द मेमोराइजेशन ऑफ वोकैबुलरी की बात हुई है, या फिर इसमें बात की गई है रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी, अंदर से कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन की बात हुई, या फिर बात होती है इज अ टेक्निक इंटेंट टू सिमुलेट द एनवायरनमेंट इन विच चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज। लैंग्वेज एक्विजिशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें क्या कहता है बच्चा एक को ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है जिसमें बच्चा जो है अपनी नेटिव लैंग्वेज को सीखता है, या फिर ये क्या कहा है मेमोराइजेशन यूज ऑफ नेसेसरी वोकैबुलरी को मेमोराइज करना। तो लैंग्वेज एक्विजिशन इसके बारे में बात नहीं करता, ये क्या बात करता है रेफर करता है प्रोसेस ऑफ लर्निंग की बात हुई है जिसमें नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज को सीखना होता है अपनी, किसका बिकॉज ऑफ इनेट कैपेसिटी की बात हुई है। लैंग्वेज एक्विजिशन में किसकी बात हुई है कि बच्चे के अंदर एक कैपेसिटी भी होती है, किसकी कौन सी कैपेसिटी होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की। इज इट क्लियर एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है, चलिए नेक्स्ट करेंगे। नॉम चॉम्स्की रेफर्स टू डीप स्ट्रक्चर्स, ठीक है, नॉम चॉम्स्की ने एक ना स्ट्रक्चर जो होता है रेफर किया था, कौन सा नॉम चॉम्स्की ने एक स्ट्रक्चर रेफर किया था, डीप स्ट्रक्चर्स की बात की थी। इसका मतलब क्या था कि हिडन सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स लर्न थ्रू इंटेंसिव स्टडी, या उन्होंने बात की ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर दैट हैज़ लेड इन टर्न टू इंक्रीज इंटरेस्ट इन अ कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक में, उनका बच्चे का जो है इंटरेस्ट बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, या फिर अ ट्रेंड दैट इंग्लिश इज मोस्ट कॉमन ऑक्सिलरी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, या फिर बात होती है यूनिवर्सल ग्रामर नॉम चॉम्स्की अंडरलाइंग ऑल लैंग्वेजेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू इननेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर बिल्कुल आएगा, देखिए क्वेश्चन है नॉम चॉम्स्की रेफरेंस टू डीप स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, नॉम चॉम्स्की ने एक डीप स्ट्रक्चर की गाइस बात की थी, इसमें भी क्या बात होती है ये जो है यूनिवर्सल ग्रामर की बात करता है। नॉम चॉम्स्की डीप स्ट्रक्चर क्या था, तो डीप स्ट्रक्चर को जब उन्होंने रेफर किया है उन्होंने ये कहा कि इसमें क्या होता है यूनिवर्सल ग्रामर की बात हुई है जिसमें क्या होता है अंडरलाइनिंग ऑल लैंग्वेजेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू इननेट।
सभी लैंग्वेजेस जो होती हैं, अगर हम लोग सीखना चाहते हैं, कोई भी लैंग्वेज हम लोग सीखना चाहते हैं, तो वो इननेट कैपेसिटी होती है ह्यूमन ब्रेन में, बच्चे में की ब्रेन में क्या होती है, एक कैपेसिटी, हिडन कैपेसिटी उसने रखी हुई है, शुरुआती दौर पर एक कैपेसिटी है लैंग्वेज को सीखने के लिए, ठीक है। तो यूनिवर्सल ग्रामर का भी किसने भाई हमको दिया, जिक्र किया था, नॉम चॉम्स्की ने ही यूनिवर्सल ग्रामर का जिक्र किया। तो यहाँ पर हम लोगों ने किए हैं क्वेश्चंस गाइस, जो हम लोगों ने किए पेडागोजी के ऊपर, जो हम लोगों ने किए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर। अब एक क्लास आप लोगों की ऐसी भी होगी जिसमें आपको पोइम भी आएगी और कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा, कई बार समा हमारे पास पूरा नहीं होता, और मैं देख सकती हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। तो ऐसी ही और क्लासेस के लिए क्या करना है आपको, टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लेना है। मैम टेलीग्राम पर ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है, तो गाइज आप लोगों को मिलेगा स्टडी मटेरियल, फ्री पीडीएफ मिलता है, जहाँ पर आप लोग अपने जो है पेपर की पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का सेशन, ज़रूर आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि मैंने एक से मतलब तीन चार क्वेश्चन मैंने रिपीट भी करवाए हैं गाइज, यहाँ पर आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है, कंसेप्ट की प्रैक्टिस हो जाती है। एक क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से मोल्ड कर आपको कंसेप्ट पढ़ना है, कंसेप्ट आपको मोल्ड कर किसी भी फॉर्म में वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही रोज के रोज जुड़ना है टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु के साथ, मेरे साथ जुड़ना है, रोज के रोज प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल भी अब एक भी दिन नहीं छोड़ना गाइस। अगर बात की जाए एक भी दिन की, आपके पास एक दिन भी नहीं है ऐसा कि आप लोग सोचें कि आज नहीं पढ़ते हम लोग कल पढ़ लेंगे। तो कैसे करेंगे तैयारी, 30 out of 30 आपकी इंग्लिश में आनी चाहिए, 30 out of 30 आपके हिंदी में आना चाहिए। अगर बात करी जाएगी CDP की, CDP के भी कंसेप्ट आप लोग एक बार जरूर सारे के सारे पढ़ लीजिए, सो दैट आपके 60 60 30 30 कितने हो जाएगा इस, यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, अगर आप लोग 30 मार्क्स हैं एक लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेज में आप लोग ले लेते हैं 60, तो आपके ऐसे हो जाएंगे। अगर आप लोग CDP के भी आप लोग 30 ले लेंगे तो गाइज आपके 90 मार्क्स बन सकते हैं। 30 30 60 हो गए, 60 plus 30 90 हो गया। और अगर गाइज आप लोग देखते हैं, अगर आपने जो है अपनी SST की तैयारी अच्छी तरह से कर ली, EVS की तैयारी अच्छी तरह से कर ली, तो बड़े आराम से आपका CTET जो है वो क्वालिफाई आप लोग कर लोगे, चाहे आपका पेपर 1 हो पेपर 2 हो। तो परेशान नहीं होना, ऐसे ही रोज़ के रोज़ मेरे साथ जुड़ना है टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु पर। और यहाँ पर जुड़ने का मैंने आप लोगों को फ़ायदा भी बताया कि आपको PDF भी प्रोवाइड होता है। सो कैसा लगा सेशन एक बार ज़रूर बताना है। नॉम चॉम्स की थ्योरी होगी, जीन प्याजे की थ्योरी हो गई, या फिर बात होती है हमारे BF स्कीनर की, या फिर बात होती है वाइगोत्स्की की, तो इनको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है ना। बहुत डिटेल में मत पढ़िए, बट कुछ भी पढ़ लेते हैं, अगर उनके बारे में सारी इनकी मेन मेन वर्ड्स के बारे में, सेंटेंसेस क्या इनके फॉर्म हुए, कि कौन कौन सा कंसेप्ट इन्होंने दिया है, अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, है ना, आप लोग यू विल बी एबल टू गिव द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। सो इन दिस वे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो ऐसे ही ख्याल रखिए अपना, ऐसे ही लगातार बने रहिए टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु पर। रोज़ मेरी क्लास होती है 12 बजे, सो बाय द टाइम टेक केयर, गुड बाय गाइज, मिलते हैं कल की क्लास में। कितने बजे मिलते हैं मैम, मिलते हैं 12 बजे। तो ख्याल रखिएगा अपना, ऐसे ही तैयारी करते रहिए। थैंक यू।